बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम बलूचिस्तान। हम आज आए हैं फातिमा फैमिली पार्क में और आज हम यहाँ पे पार्क में देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, लोग ज़्यादातर रश करते हैं, पार्कों में आते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे आज हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये जहाँ आपको पता है बलूचिस्तान है और क्वेटा वादी क्वेटा है और यहाँ कबायली लोग ज़्यादा बसते हैं, सारे कबीले बसते हैं, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर मर्दों का जब जिस दिन फैमिली डे हो उस दिन मर्दों का आना ममनू किया जाए। देख रहे हैं कैसे ये जोकर्स हमारे साथ हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली हमारे साथ हैं। तो ये हम आइए मेरे साथ, हम जानेंगे लोगों से पूछने का सिलसिला जारी है। जैसे हमने कहा था कि लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ आपको सुनाते रहेंगे, तो हम यहाँ एक साहब मिले हैं जो अपने वाइफ के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम उमेश कुमार है, जाफराबाद से आया हूँ। तो आप चूँकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में लोग इसी तरफ शाम के टाइम पार्कों का रुख करते हैं, तो आप गए कराची के पार्कों में या लाहौर के पार्कों में या क्वेटा के पार्कों में, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? यहाँ कुछ न होने से कुछ बेहतर है, कुछ ना कुछ तो है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। यहाँ बलूचिस्तान में तो खास तौर के यहाँ बलोची निज़ाम है या पश्तो निज़ाम है, तो यहाँ पर लोग फैमिली के साथ कम ही घूमने के लिए जाते हैं या अपनी लेडीज़ को कम बाहर लेकर जाते हैं, तो उसी हिसाब से क्वेटा में ये कुछ ना कुछ होने से बेहतर है। सकते हैं कि हम जब मुख्तलिफ पार्कों में जाते हैं तो हम ऐसे एंटरटेन करने वाले मिल जाते हैं जो लोगों को तो खुश रखते हैं, लोगों को वो एंटरटेन रखते हैं, लेकिन उनके दिल का क्या हाल है, वो खुद क्या करते हैं, किस मजबूरी से यहाँ आते हैं, तो आइए चल के हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कितने खुश हैं, दिल से ये करते हैं या कोई मजबूरी है जो आपको यहाँ तक लाई है और लोगों को आप एंटरटेन करते हैं? नहीं नहीं, मैं मजबूरी हम लोगों का गरीबी है, बस 12 घंटे 6 घंटे हम लोग काम करते हैं, इसके अंदर गर्मी भी बहुत लगती है ना, तो हम लोगों का मजबूरी ये भी है ना, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ और ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त है हम लोगों को कुछ काम देना चाहते। आपको मतलब आपने कहा कि हम इतने घंटे इस कॉस्ट्यूम में रहते हैं, गर्मी भी बहुत लगती है, फिर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस पार्क में भी ऐसे इंटरटेनर हों जो करूँ, वो लोग खुश करने के लिए आती हैं, लेकिन उनका दिल का हाल आप लोगों ने देखा कि मजबूरी से आते हैं। ये आइए स्पेशल चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कबायली लोगों का ये फेवरेट खुराक है, इसे हम सज्जी कहते हैं। अलबत्ता ये मुर्गियों का सज्जी बना रहे हैं, सज्जी तो सज्जी होता है और ये हमारा फेवरेट है, और हम आज यहाँ पे इंशाल्लाह खाएंगे भी सही। आपको दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग सज्जी कितने शौक से खाते हैं, जो लोग बलूचिस्तान आते हैं वो सज्जी ज़रूर खाते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े से कितने अच्छे से पक रहे हैं, तो इस तरह हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते जाएंगे। जी नाजरीन आप हम आए हैं झूलों की तरफ, थोड़ा इनको दिखा के आपको एंटरटेन करते हैं। ये है टावर राइड्स और इसमें बंदा बैठ के ये ऊपर की जाने जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एहतियात बहुत ज़रूरी है, जितना आप एहतियात कर सकते हैं करें। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सेफ्टी जो बेल्ट है मैंने बांधा हुआ है, बच्चों ने बांधा हुआ है, इन सब लोगों ने बांधा हुआ है, तो ये सेफ्टी बेल्ट हमें बांध के रखना चाहिए। और मैं बाकी लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी हिफाजत खुद करें। का नाम क्या है? मोहम्मद सलीम है मैडम जी। मोहम्मद सलीम, कितने घंटे ड्यूटी है आपकी यहाँ? मैडम जी 4 बजे से लेके 1:30 बजे तक हम लोग की ड्यूटी है मैडम जी। चार मतलब शाम 4 बजे से रात 1:30 बजे तक? जी हाँ। अच्छा, तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई हंगामी सूरत हाल होती है, तो मुसीबत पड़ने पे आप क्या आप अपना रोल अदा करते हैं, क्या करते हैं उस वक्त? मैडम हम लोग के खिलाफ उसका साथ पेश करना है, लड़ाई होता है फिर ईगल वाला कोई मंगवाते हैं। जी हाँ सही, माशाल्लाह गुड। तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई मसला है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, हम आगे हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कोई मसला है यहाँ पे? मैडम जी हम लोग की तनख्वाह थोड़ा सा बढ़ा दो। कितनी तनख्वाह आपकी? जी अभी 12-13 हज़ार रुपया है मैडम जी।
जी हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। तो आपने जाना कि 13,000 मंथली पे जो इनकी है, और ये पूरे महीने 4 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रात के ड्यूटी करते हैं, और उनकी पे 13,000 है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करना चाहेंगे कि जो मजदूर हैं, जो हमारे सिक्योरिटी दार हैं, वो 15,000 तक एटलीस्ट कर लें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 13,000 से कोई गुजारा नहीं होता। बात करते हैं यूनुस साहब से, जो कि इंतजामिया यहाँ के इंचार्ज हैं और सबका डिप्टी नाजिम ऑफ क्वेटा हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आपने इनवाइट किया हमें ये रेस्टोरेंट के ओपनिंग पे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक पार्क वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे पब्लिक का ख्याल रखना भी होता है, उनकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो आप ये कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले हमें ये बताएं। सबसे पहले तो एक कोशिश हमने की, और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया गया पाक आर्मी की तरफ से क्वेटा के शहरियों के लिए, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये 57 एकड़ पे है, और यहाँ क्वेटा में ख़ासतौर क्वेटा बलूचिस्तान का वाहिद पार्क ये है सिटी का। तो इसमें एक हमने कोशिश की, एक अच्छी टीम बनाया, और उस टीम को साथ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से हमने इसका आगाज़ किया। इस पार्क में देखें, हम क्वेटा के लोग जाते थे कराची, लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों में। आज आप देखें कि चेयर लिफ्ट यहाँ लगा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो आपको चेंज नज़र आएगा वो ये है कि एवरी 7 डे यानी पूरा हफ्ता जो है फैमिली डे है, तो इसमें हम जो है ना इंडिविजुअल किसी को नहीं छोड़ते हैं। सिक्योरिटी हमने बड़ी सख्त रखी है, और सैनिटेशन का स्टाफ है, और यहाँ आपको बिल्कुल घर का माहौल मिलेगा। यानी आप यहाँ पर ये नहीं महसूस करें कि आप आ रहे हैं यहाँ पर और आपको जो है ना खौफ होगा, बगैर खौफ का, बिला खौफ यहाँ पर फैमिली जा सकते हैं। सर आपने जैसे बात कीजिए, जैसे कि 7 दिन 7 दिन होते हैं वो फैमिली के होते हैं, तो क्या अगर कोई ऐसा लड़का कोई गुस्सा आता है, जैसे आपको माहौल का पता है, अंदाज़ा है हमारे माशरे में जो हो रहा है, तो अगर कोई लड़की आते हैं तो क्या आप उन्हें रोकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो आप क्या करते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इंतशार फैलाना, क्या करते हैं आप उस वक्त? मगर हमारा सिक्योरिटी बड़ा टाइट है, अगर किसी ना किसी रास्ते से इंटर ज़रूर हो जाता है, या कुछ ऐसे खवातीन ना समझी में उनको इंटर करते हैं, मगर वो हमारी सिक्योरिटी इधर इतनी टाइट है कि वो पकड़ा जाता है और उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये माहौल जो है ना, हमने क्वेटा के माहौल के मुताबिक इस पार्क को, इसकी मैनेजमेंट, इसकी टीम, इसके हमारे रेस्टोरेंट अच्छे, और ये भी नहीं है कि यहाँ पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस है, होटलों को चेक किया जाता है, खाने का जो है कंट्रोल रेट है, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ को देखा जाता है, झूलों पर भी एक रेट जो रखी गई है उससे कोई भी और चार्जिंग इस पार्क में नहीं है, कोई भी कंप्लेन होता है उसमें फौरन एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अकबर। अली अकबर साहब, आप जुलू के इंचार्ज हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं आई थी कि कमज़ोर दिल अफराद ना बैठें, तो क्या वजह है, क्यों इतने खतरनाक हैं ये? ये इसलिए हम लोगों ने ये बैनर लगाया है, जो छोटे बच्चे हैं और जो मिर्गी के मरीज हैं इनको अलाउड नहीं है, जो दिल के मरीज हैं इनके लिए अलाउड नहीं है, और जो सेहतमंद बंदे हैं उसी को वो बैठ सकते हैं। और कितनी फीस आप इनकी लेते हैं, कितनी टिकट है इनकी? हम लोग छोटे झूलों के 50 ले रहे हैं, जो बड़े राइड्स होते हैं उनकी 100 रुपए। मतलब पूरे यहाँ फातिमा जना पार्क में, फैमिली पार्क में, के सारे जो झूले हैं वो 50 से शुरू होके 100 पे खत्म? जी हाँ। इससे ज्यादा नहीं है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। एक चेयर लिफ्ट लगा हुआ है, उसका 150 रुपए राइड्स रखा है। अच्छा, बस ठीक है, इतना सही है कि लोग मुनासिब रेट पे वो अफोर्ड कर सकें, कि वो क्योंकि गर्मी का मौसम है, हर कोई आता है पार्क में एंजॉय करता है। तो जी आपने देखा कि हमने इनसे बात की, और कहते हैं कि जो कमज़ोर दिल वाले अफराद हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी इस झूले से एहतियात करें। जी वालेकुम सलाम जी, आपका क्या नाम है? जी अली चौधरी नाम है मेरा जी। और ये जो जिना पार्क है, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा पार्क, फैमिली पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, और इस हवाले से जो है इंशाल्लाह फैमिली आती है, एंटरटेनमेंट करती हैं, और ये डेंट रेस्टोरेंट को हमने इसको ओपन किया है। इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छा फास्ट फूड, चाइनीज़,
और पाकिस्तानी खाना जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और फैमिली को भी हम कोऑपरेट करेंगे साथ, और मैंने चैनल्स वालों को भी, आप लोगों को भी जो दावत दी हुई है सबको, और कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह जो है ना 3 दिन के लिए ओपनिंग है, और मैंने 20% डिस्काउंट रखा हुआ है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आज पहला दिन है ओपनिंग का और 3 दिन इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ है 30%, तो जल्दी से आए फायदा उठाएं। बाकी जो हम लोग सारा घूम फिर के एंजॉय भी किया है, बहुत सारे अपने फैमिली के साथ आए और बहुत अच्छा पार्क अपना हम लोग स्टाइल भी लगा है यहाँ पे सुबह मच्छर वालों की तरफ से, हमारे जो स्टाइल भी लगा हुआ है, मतलब कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। यासिन कैसा फील हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और रेस्टोरेंट में टेस्ट है, जायका है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लोगों की खिदमत हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपने मुख्तलिफ व्यूज़ सुने हैं और रेस्टोरेंट में बैठे लोग सुने हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उनको खुशी हो रही है कि रेस्टोरेंट खुला है और यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं खातून मोतसिब सबरा इस्लाम के ऑफिस से यहाँ पे अवेयरनेस सेशन करने आई हूँ। जो फेस्टिवल जो मुनक़द हुआ है उसमें हम खवातीन को ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि काम की जगह पे खवातीन को हिरासा करने से ये जो लॉ है वो बनाया गया है, और जो गवर्नमेंट का जो इदारा है वो फ्री और फाल जो है ना खवातीन को जो है ना वो इंसाफ देता है। ये एक्ट जो है ना सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि मर्दों के साथ साथ ट्रांसजेंडर के लिए भी है। बिल्कुल नज़र आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस इज अगेंस्ट द लॉ। ये बहुत, मैं समझती हूँ कि औरत के प्रोटेक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप उन्हें आवाम को आगाह करें, उन्हें शऊर दें और पब्लिक प्लेस में आप ये चीज़ें रखें, तो ये बहुत अच्छी बात है। कि लोग कहते हैं कि जो बाज़ार में चीज़ों की कीमतें हैं कपड़ों की, यहाँ वो थोड़ी महंगी होती हैं, ये बात सच है या नहीं? नहीं, हमारी तो यही कोशिश है कि जो आते हैं वो उनके हम जो है ना ख्वाहिश के मुताबिक या उनकी मर्जी के मुताबिक थोड़ा डिस्काउंट कर सके, तो हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ही हो। ये आपकी ड्रेसेस लगे हैं, ये कीमत कहाँ से कितने तक है, शुरू कहाँ से होती है और एंड कहाँ? हमारे यहाँ स्टॉल में जितने भी हैं 1000 से लेके 12 या 18 तक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीमत कितनी है इनकी, कहाँ से कहाँ तक है? 5000 से शुरू है 30000 तक। बलोची के कपड़े भी है, चादर भी है, जो हमारे पठान और बलोच फैमिली ज़्यादा चादर को पसंद करते, और हमारे पास बुरके भी है जिसमें हम लोगों ने खुद हाथों का काम किया हुआ है, और बलोची ड्रेसेस भी है हमारे पास, बाकी भी हमारे ऑर्डर में भी लेते हैं। हमारा अपना पेज भी है रोशनास, जो हम ऑनलाइन बेचते भी है और ऑर्डर भी लेते हैं, मतलब कुर्ते वगैरह अगर किसी को पसंद हो मौसम के, तो हम वो वाले काम भी करवाते हैं। तो आप ये कहाँ से लाती हैं? ये हम लोग कलात में ऑर्डर देते हैं, फिर यहाँ पे ऑनलाइन हाथ से बनता है। जी जी, ये सारे हाथ के काम है जी। तो आपने देखा 3000 से लेकर 15000, 20000, 30000, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बलोच या पश्तून जो काम करते हैं वो हाथ से करते हैं, और जो हाथ की जो सफाई होती है, जो मशीन की जो सिलाई होती है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, तो इसलिए ये थोड़े महंगे हैं। अलवकास मोटर शोरूम, यहाँ हर किस्म की नई पुरानी छोटी बड़ी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की जाती है। आपका एतमाद हमारी पहचान। अलवकास मोटर शोरूम, स्पेनी रोड बिल मुकाबले सीएनजी स्टेशन क्वेटा। ये झूला स्टार्ट हो गया और ये मेरा फेवरेट भी है, फेवरेट में आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो बड़ा सा झूला है वो फेवरेट है, लेकिन ये मेरा सबसे अच्छा और फेवरेट झूला है। नक्की खरानी है, नक्की बंगाली है, नक्की मसम जगह हिंदी ही आ, इंग्लिश फारसी है, मना नहीं आ गए। जो चेयर लिफ्ट बनी है भी, ये न्यू क्वेटा में लॉन्च हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये चेयर लिफ्ट क्वेटा में बहुत अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठते हैं उनका ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। वो देखिए नाज़रीन, अब देखो मनाइलो तरफ देखो, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल है और वहाँ पे लोग कश्तियाँ चला रहे हैं, बच्चे कश्तियाँ चला रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ बैठे थे,
तो ये आप व्यू देख सकते हैं ओवरऑल कितना अच्छा लग रहा है। सरदार जावेद लड़ी साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है उनको, और आगे भी पूछते हैं कि पहली दफ़ा किस पार्क में रेस्टोरेंट खुला है, इनके बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। सरदार जावेद लड़ी साहब की आप बाहर भी गए होंगे, आप क्वेटा सिटी के बाहर, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे गए होंगे और मुल्क से भी बाहर गए होंगे, आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं। क्वेटा में जैसे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, ये कबायली इलाका है, तो ये पार्क में जैसे गर्मी का सीज़न होता है लोगों का रश लगता है, यहाँ आप कैसा फील कर रहे हैं कि अस्करी में पहली बार जैसे कि अभी जो नाम चेंज हुआ है फातिमा जना फैमिली पार्क रख दिया गया, कैसा फील करें आप? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो काफ़ी इन्होंने क्राइसिस एंड अप्स एंड डाउन इन्होंने देखी है, इस सूबे ने देखी है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोई 10 साल से बड़ा अमन हुआ है सूबे में, तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसास है लोगों के दिल में, अभी कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है हमारा बलूचिस्तान, तो इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सब कुछ यहाँ होटलें भी खुल रहे हैं, ये आउटिंग फैमिली सारी आ रही है, बिल्कुल रिलैक्स होके, किसी को कोई ख़तरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब कुछ सब अच्छा अभी अल्लाह ने किया। इस पार्क के हवाले से अगर मैं दो लफ्ज़ कहूँ, पहले जो इस पार्क की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अभी जो जो यूनस बलोच जहाँ पे आए इन्होंने काफ़ी इन्हें संभाला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रंच जो कैफ़े खोला है इन्होंने, रेस्टोरेंट है तो बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ भी एक अच्छा पुरसकून माहौल भी है, और इसके अलावा एडवाइस तो मैं गवर्नमेंट को यही हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं कि आप काइंडली अगर कोई बंदा कोई काम करना चाह रहा है अपने सूबे में तो गवर्नमेंट जो है उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें हेल्प करे, ताकि ये मसले मसाइल ये हमारे हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू सो मच। मेरा नाम अतीक बलोच है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ फातिमा जना फैमिली पार्क का। ये पार्क हमने बेसिकली देखें क्वेटा में कोई ऐसा कोई जगह था ही नहीं, क्वेटा के टोटल 4 पार्क हैं जिसमें से सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा और यूनिक पार्क ये है जिसको हमने डेवलप किया है 2019 से हमारे साथ है पार्क आर्मी के तावन से। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात कोशा हैं, जो क्राउड आपने देखा, जो लोग आपने देखे, जो लेटेस्ट और नए राइड्स आपने देखे, वो सारे हमारी जो कंपनी है वास्ट कम्युनिकेशन उसके अंडर पे है, हमारे सीईओ साहब हैं और हमारी बहुत बेहतरीन टीम है जो क्वेटा के लोगों के लिए एक खूबसूरत जो गुलदस्ता है तोहफा है, यहाँ पे मुख्तलिफ कौम मुख्तलिफ कबाइल यहाँ पर आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। जी आपने सही कहा, क्योंकि पहले हम जब पार्क में आते थे तो ऐसा नहीं होता था, अभी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग जो हुई है, फिर हमने देखा जो चेयर एयर लिफ्ट है वो भी लॉन्च हुआ है, और क्वेटा में किसी पार्क में पहली दफ़ा हो रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे कि आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे अपनी टीम को, या आप समझते हैं कि अभी ये कम है, थोड़ा और बेहतरीन करेंगे हम? असल में हम 8 फेज़ पे काम कर रहे हैं, 4 फेज़ हमारे कंप्लीट हुए हैं जिसमें राइड है, लेटेस्ट राइड है जो क्वेटा में बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम लगे, इवन कुछ ऐसे राइड्स हैं जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लगे हैं, स्विमिंग पूल है हमारे, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है और स्क्वाश कोर्ट है, क्रिकेट अकेडमी है, कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे फेज़ 5 और फेज़ 6-7 में स्टार्ट होंगी, चेयरलिफ्ट रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, लाइव पबजी गेम जो फर्स्ट टाइम इन क्वेटा बलूचिस्तान फर्स्ट टाइम है वो हमने लॉन्च किया है, और लाइव पबजी गेम हमारे पास यहाँ पे साइट पे मौजूद है, इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे आप लोगों को। आज ये रेस्टोरेंट हमने ओपन किया है और रेस्टोरेंट हमारे सारे 3 स्टार टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे हम करा रहे हैं, जिस तरह राइड लेटेस्ट है उसी तरह रेस्टोरेंट और होटलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत मेयारी काना है। थैंक यू सो मच दीक साहब, हम यही उम्मीद करते रहेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन करें और इसी तरह आप अपने काम सर अंजाम दें। तक आवाम से कहूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर फातिमा जना फैमिली पार्क, जिसका पुराना नाम अस्करी पार्क है, ज़रूर एक दफ़ा विजिट करें और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, शुक्रिया, वसलाम। जी नाजरीन, हमने वादी क्वेटा चैनल के तवसत से आज हम जहाँ फातिमा जना फैमिली पार्क में आए, हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, मुख्तलिफ लोगों से मिलवाया, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ जहाँ फनी जगह है, जहाँ इंटरटेन की जगह है, वहाँ हमारे इंतज़ामिया की कुछ वो जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और आपने सब कुछ देखा है, सब कुछ अपने आँखों से इंजॉय भी किया है, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लगते हैं और लोगों के कमेंट आपको कैसे लगते हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह आप
वादी क्वेटा की तवसत से मजीद आपको वीडियोस अच्छी अच्छी दिखाते जाएंगे। और हमारे चैनल को हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये वादी क्वेटा का चैनल है और आपको पता है वादी क्वेटा हम सबका फेवरेट चैनल है। और यहाँ पे पश्तून, बलोच, सराइकी, सिंधी कोई इम्तियाज़ नहीं है। जो भी हम देखते हैं, जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। तो देखते रहिए वादी क्वेटा यूट्यूब चैनल और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी, इसका वेट कीजिएगा।